चैनल माइंड बटर। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? हाँ सही में ये है फिश। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक छोटा सा कुकिंग ब्लॉग लेके, और मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई इन एयर फ्रायर। तो फिश फ्राई हम लोग बंगालीज में दोनों दो तरफ के होते हैं। एक तो वो नॉर्मल फिश फ्राई है जो हम लोग ऑयल और हल्दी और थोड़ा सा नमक दे के बनाते हैं, और दूसरी है ये वाला फिश फ्राई जो हम लोग ब्रेड क्रम एक सब कुछ मिला के एक फ्राई जैसा, जैसे कटलेट होता है ना वैसे बनाते हैं। तो ये मैंने ले ली है भेटकी फिले। तो भेटकी फिले मतलब क्या है, सारे बोन्स जो है वो फिश से निकाल दिया गया है और ये अभी फिले है। तो इसको मैंने मैरिनेट किया है थोड़ी सी नमक और लेमन से, और उसके बाद मैंने एक पेस्ट बनाई है जो कि है धनिया पाउडर, धनिया, थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची, थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी गार्लिक और एक ऑनियन, और बस इतना ही। उसका एक पेस्ट मैंने बना के मैंने इसके ऊपर अच्छे से एकदम मैरिनेट करके रख दिया है, और इसमें गया है थोड़ा सा नमक, और मैंने एक टीस्पून ऑयल दी है, ठीक है? और टीस्पून मतलब इतना सही ऑयल इसमें गया है। इसको जाके मैंने पूरी मैरिनेट करके, अभी मैं मैरिनेट करके इसको मिनिमम 1 से 2 घंटा रख दूंगी, उसके बाद मैं करूंगी इसका बैटरिंग, उसके बाद फ्राई करूंगी मशीन में एयर फ्रायर पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो वेलकम बैक आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मैरिनेशन। तो ये देखिए मेरी फिश मैरिनेट हो गई है। तो मैं फिर से आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ वो बैटर, जिससे मैं फिश को डुबाने के बाद बिस्किट क्रम में लगाने के बाद फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे गया है अभी 2 अंडे, और इसके बाद थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पे दे दूँगी। ये एक्चुअली एक डीप फ्राई रेसिपी है, लेकिन मैं इसको एक हेल्दी वे में आप लोगों के साथ पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि डीप फ्राई इज़ ऑलवेज़ अनहेल्दी फॉर एवरीवन, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या हम लोग जैसे हो, कोई भी हो, तो बहुत ही मतलब अनहेल्दी रहता है। तो आप एयर फ्रायर अगर रख लेते हो तो बहुत इजी रहता है कुछ भी बनाना। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ये पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर की हूँ विदाउट एनी फिल्टर, तो इसलिए आपके लिए बहुत सुविधा होगी। आप लोग ऐसे ज़रूर बनाएं, ऐसे जैसे मैं ये फ़िश का बना रही हूँ ऐसे आप चिकन कटलेट बना सकते हो, या प्रॉन कटलेट, या वेज कटलेट, ऐसे जो कटलेट्स या पकौड़ेज या ऐसे कुछ बनते हैं ना, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। और बहुत ही मिनिमम ऑयल, आप देख सकते हो कितना मिनिमम ऑयल। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिस्किट क्रम ले ली है, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक टीस्पून जैसा ऑयल मैंने उसको छिड़क दी है। तो अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक फ़िश का पीस लूँगी, उसके बाद अंडे का जो मैंने बैटर बनाया है उसमें पहले सोक करूँगी, उसके बाद मैं बिस्किट क्रम लगा के इसको अच्छे से मैं अभी रेडी करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट सारे पीसेस रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे के प्रोसीड्योर में। आई होप मेरी ये वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही हो। मैं थोड़ी बहुत घरेलू टाइप के खाने, जो टाइम कम लगे और तेल कम लगे, हेल्दी वे में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, कि चाहे आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, घर के लोगों के लिए। और कभी कभी मैं, हम लोग जब घूमने जाते हैं तो कुछ अच्छी जगह हो तो मैं वो भी शेयर करती हूँ, और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो अगर मेरी चैनल आप लोग को पसंद आ रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ देखने से ही नहीं चलेगा, सब्सक्राइब भी करनी पड़ेगी। हाँ, या सिर्फ देख ही लो या सब्सक्राइब ना करो, फिर कैसे चलेगा, है ना? फिर तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा ना। तो सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मैं फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, दिस इज प्रणाली और आप देख रही हैं मेरी चैनल माइंड बटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो ये देखिए मेरा सारे बाइंडिंग्स रेडी हैं और काफ़ी मस्त दिख रहा है। पीसेस थोड़ा इधर उधर है, अकेले आप चाहो तो एकदम रेक्टेंगल शेप्स भी करा सकते हो, तो मैंने वो नॉर्मली रखा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं की। तो अभी मैं आ गई हूँ एयर फ्रायर का मशीन में। तो एयर फ्रायर पहले, ये फिश डालने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको पहले प्री हीट करनी पड़ेगी। तो मैंने 180 डिग्रीज पे पहले प्री हीट कर ली थी 5 मिनट के लिए। तो अभी इसके बाद मैं अभी क्या कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ऑयल ब्रश करके मैं यहाँ पे ये सारे फिश फिले जो है वो मैं रेडी करके मैं इधर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अभी 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए दे दूँगी और फिर देखते हैं कैसे क्या बनता है। लास्टली आप लोग ने देखा था कि 180 डिग्री पे मैंने दे दी थी 20 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स दिस साइड एंड 10 मिनट्स दी अदर साइड। तो मैं इसको चेंज की थी बीच में, मशीन को रोक के मैं दूसरा साइड भी दी थी, और लास्ट 5 मिनट्स मैंने दिया था 200 डिग्रीज पे ताकि ज़्यादा क्रिस्पी हो। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक गोल्डन कलर आया है और बढ़िया सा फ्राई हो चुका है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो दोनों तरफ एकदम बढ़िया से फ्राई हो जाएगी। तो 20 मिनट्स 180 डिग्री, 10 मिनट्स फॉर दिस साइड एंड 10 मिनट्स फॉर दैट साइड, और उसके बाद लास्ट 5 मिनट आप 200 डिग्रीज पे रखो, तो फिर आपको ऐसे एकदम क्रिस्पी वाला फिश फ्राई, नहीं तो कटलेट्स जो भी हो आपको मिल जाएंगे, या नगेट्स, चीज़ बॉल्स, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। मैं कह दी हूँ ना, एयर फ्रायर में कुछ भी बन सकता है और बहुत ही कम ऑयल में। तो ये देखिए मेरी फ़िश फ्राई, भटकी फ़िश फ्राई बंगाली स्टाइल रेडी है। आप लोग इसको बनाइए, ज़रूर बताइए कमेंट पे कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और ये देखिए अंदर का फ़िश कितना अच्छे से पक गया है, कितना यमी है, बहुत ही प्यारा है। तो आप लोग ऐसे बनाइए, क्योंकि इसको बनाने के लिए एटलीस्ट एक कढ़ाई तेल तो ज़रूर लगती, उसके रिप्लेसमेंट में आपने दिया सिर्फ आई थिंक 3 चम्मच ऑयल। तो आप देख सकते हो कितना हेल्दी है, कितना बढ़िया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।